राठौर से जेजेपी के प्रत्याशी मांगे राम गुंदियानी ने हल्का राठौर के सभी गांवों का दौरा किया, जनसभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने हर गांव के लोगों को समर्थन मिल रहा है। मांगे राम बुनियानी ने सभी लोगों से अपील की कि मैं आपके बीच में वोट मांगने आया हूं, आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दें, मुझे हल्का राठौर से भारी मतों से जितवा कर विधानसभा भेजने का काम करें, मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार रहूंगा। जिस पर लोगों ने मांगे राम को जीत का आश्वासन दिया। नायक जनता दल पार्टी से राठौर से टिकट मिला है, किन मुद्दों पे आप जो मुद्दे हैं विधानसभा के जिनके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं? हम आज जनता मन बना चुकी है भाई दुष्यंत चौटाला जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का, और मुद्दे तो जो पिछली सरकार थी, पहले कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने भी हमारे इस इलाके का कोई सड़क का या कोई विकास कार्य और किसी को नौकरी दिलाने का कोई काम नहीं किया। इसी तरह से ये सरकार भी हमारे बीच में जब आई थी, इन्होंने 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, किसान की स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी, और कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन देने की बात कही थी, गरीब की, मजदूर की, व्यापारी की और बहुत सारी वादे करके हमारे बीच में आए थे, इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, इसलिए जनता इनसे नाराज है और भाई दुष्यंत चौटाला जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहती है। जो जैसा कि आप राठौर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, किस तरह की लोग जो है समस्याएं आपके सामने बता रहे हैं और जो जिसका वो कह रहे हैं कि हम चेंज करेंगे? जनता बदलाव चाहती है, इन्होंने काम तो कोई किया नहीं, सिर्फ झूठे वादे कर करके, ना कोई सारी गांव की जो सड़कें हैं, लिंक रोड हैं, वो सब टूटे पड़े हैं, जनता बहुत परेशान है। हम कांसेपुर, फरकपुर, ससौली में गए, ऐसे रास्ते उन कॉलोनियों में हैं, उनसे बढ़िया तो गांव में खेतों के रास्ते हैं, बिल्कुल रायपुर में भी यही हाल है, कोई इन्होंने विकास नहीं किया, कहने कहने का विकास है, उसको देखते हुए जनता ने मन बनाया हुआ है भाई दुष्यंत चौटाला को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। जहां भी हम अगर विधानसभा में आपकी सरकार बनती है तो आपकी तरफ से क्या क्या विकास कार्य कराए जाएंगे, क्या मुख्य जो काम होंगे? जो मैं उन लोगों के बीच में गया, उन्होंने अपनी मेन डिमांड जो रखी वो इसी सड़कों की रखी, हम उन सड़कों को, गलियों को पक्का कराने का काम करेंगे, और भी जो विकास कार्य है, अपने जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए, जो भी प्राइवेट हमारे यहाँ उद्योग हैं, कंपनियां हैं, उनमें 25-75% हम उनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे।